अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस नुमान की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो मिर्ज़ा जी का जो टॉपिक है वो फिर से एक बार चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर है कि भाई दावत इस्लामी वाले कोई बयान दे रहे हैं, कोई दलील दे रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह या ठीक है या वो ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ था, वो बोल मिर्ज़ा जी। अब मिर्ज़ा जी देखते हैं इस पर क्या बहस कर रहे हैं, दावत इस्लामी और मिर्ज़ा जी का आपस में क्या मुकाबला, क्या रोड चल रहा है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर इसमें हकीकत क्या, सच क्या, झूठ क्या, पता लग जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की तरफ। अच्छा, क्या लिखा उसमें? चिश्ती रसूलुल्लाह। अच्छा, तो उसे क्या हुआ? चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ उसमें, तो ये खत्म नबूवत के खिलाफ है। एक मिनट में फैसला हो जाएगा। सारे माशाल्लाह अहले इल्म बैठे हुए हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि ये आप लोगों का बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूल। अगर कोई शख्स बहोश व हवास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कहे चिश्ती रसूलुल्लाह, क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। सब ये कह रहे हैं आप, ठीक है, कि होश व हवास की हालत में अगर कोई शख्स ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि तआला को रसूलुल्लाह कहता है, चिश्ती रसूलुल्लाह कहता है, तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। ठीक है, ये आप सबका कहना है। तो फैसला तो हो गया कि अकीदा और नजरिया क्या है हमारा, कि होश व हवास की हालत में जो बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह कहे वो मुसलमान नहीं है। अव्वल तो हम इस बात को तस्लीम करते नहीं कि ये हिकायत ठीक हो। बाज़ किताबों के अंदर जैसे फवाइदुस सालिकीन के अंदर ये बात नकल की गई, तो फवाइदुस सालिकीन तो इंतहाई गैर मुतबर किताब है। तावील और कोई लोग करते हैं, हम तावील भी नहीं करते, तावील करने को भी कुफर कहते हैं, या तावील चलेगी भी नहीं। तो अव्वल तो ये हिकायत मनखड़त है, कहानी है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, बिलफर्ज अगर तस्लीम कर लिया जाए कि बाज़ मुतबर किताबों के अंदर उसको शामिल कर भी दिया गया, तो फिर वहां पर शामिल करने वाले से खुद ही यहाँ पर ये बात वाज़ह हो गई कि उसमें ये लिखा हुआ है कि उस वक्त वो हाल की कैफियत में थे, यानी होश व हवास में नहीं थे, जज्ब की कैफियत के अंदर थे, उनसे ये कलिमात अदा हुए और फिर इसके बाद जब होश आया तो उनका कि नहीं, मैं तो रसूलुल्लाह का अदना गुलाम, रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, इस बात को तस्लीम किया उन्होंने। तो होश व हवास में जो ना हो उसके ऊपर थोड़ी हुक्म चलता है। चिश्ती रसूलुल्लाह, वैसे तो थानवी रसूलुल्लाह भी इनके खाते में, क्योंकि ये पहले थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर बात करते थे, अब उसमें भी बात करना छोड़ गए, यानी चाचू को भी इन्होंने मान लिया है, थानवी चाचू को। तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक्या जो मुख्तलिफ किताबों से हमने पेश किया, हश्त बहिश्त से पेश किया, बाकी किताबों से, तो इन्होंने भागने की कोशिश की, इन्होंने कहा हमारे कभी उलमा ने इसका दिफा नहीं किया, तो वो मैंने हवाला फिर इनके सामने रखा था, जो आज फिर रख रहा हूं, कि तुम्हारे आला हजरत ने फतावा रजविया में उस किताब की तारीफ की है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा है, सबा सनाबिल। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें यह लिखा है, उसके बावजूद ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कहा कि यह किताब नबी इस्लाम की बरगाह में मकबूल है, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा है, तौबा तौबा तौबा। अगर तो यह उन्होंने अनजाने में किया, फिर तो हम कहेंगे कि तुम्हारे आला हजरत जाहिल थे, और अगर जानबूझ के किया फिर तो अपने ईमान से गए। अब तुमने फैसला करना है कि उनका ईमान बचाना है या उन्हें जाहिल डिक्लेयर करना है, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं वो गौसे वक्त थे, पूरी कायनात को हथेली पर एक दाने की तरह देखते थे, उन्हें पता ही नहीं चला उस किताब की तारीफ करके रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहे कि नबी इस्लाम की बरगाह में मकबूल है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मुफ्ती मुनीबुररहमान साहब ने अपने जाम के अंदर कोशिश की कि इसका जवाब दें, उन्होंने एक फतवा भी निकाला, लेकिन वो भी गोलमोल, उसका मैंने पोस्टमार्टम अलग से किया हुआ है कि इस तरीके से आप अपने बुजुर्गों को नहीं बचा सकते। लेकिन इसको तो अनअटेंडेड छोड़ा कि आला हजरत ने जो दिफा किया था इसका क्या बनेगा। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्ज़ा अली के, आपने दावत इस्लामी वाले का भी क्लिप उसने जो दिखाया मिर्ज़ा अली ने थोड़ा देख लिया आपने, फिर मिर्ज़ा अली का बयान भी सुना आपने। अब अपनी जाती राय दें, क्या चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा है तो गलत हमें भी पता है, लेकिन जो दावत इस्लामी वाले कह रहे हैं आला हजरत के बारे में या जो भी उन्होंने किताबों का जिक्र किया, इनमें से आप मिर्ज़ा अली ठीक कह रहे हैं या दावत इस्लामी वाले ठीक कह रहे हैं, बकौल आपके अपनी राय आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, उसमें कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपको अगले वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।